हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निधि साइंस एकेडमी। टुडे वी विल स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी कल पढ़ चुके हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। नाउ टुडे वी विल स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहले एच हर्ट्ज ने दिया था 1887 में। ओके, उसने ये फाइंड आउट किया है, जब इलेक्ट्रॉन्स, जब भी कोई बीम ऑफ लाइट एक मेटल सरफेस को टकराती है तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। और कौन से मेटल जो ज़्यादा इफेक्ट शो करते हैं? कैल्शियम, पोटेशियम, रबीडियम एटसेट्रा। ये देखो, ये जो डायग्राम भी जो मैंने बनाया है, देखो ये डिटेक्टर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस पे स्ट्राइक हुए, लाइट स्ट्राइक हुई। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, ये क्या है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक हुई, किस पे स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस। बीम ऑफ लाइट जब स्ट्राइक हुई मेटल सरफेस पे तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। तो जब इलेक्ट्रॉन, उसने एक सेटअप बनाया जिसमें उसने एक सेल लिया, उसका इवैक्यूएटेड चैम्बर बनाया जिसमें दो मेटल इलेक्ट्रोड्स बनाए जो कि एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड थे। तो रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी जब फॉल करती है नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पे तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिटेड होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है करंट कैरी करते हैं। तो ये जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स ऑन इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब लाइट रेडिएशन मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करता है और इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं तो उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो रिज़ल्ट क्या ऑब्जर्व हुआ, इसमें हमने रिज़ल्ट क्या ऑब्जर्व किया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो कि हर्ट्ज ने बताया। पहला है कि कोई टाइम लैग नहीं था स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट में, कि लाइट ऑफ सूटर स्ट्राइक द मेटल और मेटल सर फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, कोई टाइम का कोई गैप नहीं था किसमें, स्ट्राइकिंग स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट में और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई टाइम लैग नहीं। सेकंड था कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो लाइट चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, बिलो दिस फ्रीक्वेंसी द फोटो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इजेक्टेड, इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बिलो दिस फोटो इलेक्ट्रॉन्स, शॉर्ट में लिख रही हूँ, कांट बी इजेक्टेड। ओके, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है, ये सिंबल है किसका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। सो हमने ये ऑब्जर्व किया, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो खाली वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे जिसमें मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड एक्यम्पनेड विद मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी होगी, वही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो ज़्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से,
तो वही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे जिनकी मैक्सिमम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इजेक्ट होंगे, शॉर्ट में मैंने इसको समझाया है, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। थर्ड आएगा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं जितने वो प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी लाइट की और ब्राइटनेस ऑफ लाइट के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितनी इंटेंसिटी और ब्राइटनेस से लाइट स्ट्राइक करती है मेटल पे, उसी पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो इलेक्ट्रॉन्स उतने ज़्यादा इजेक्ट होंगे जितनी इंटेंसिटी से लाइट मेटल पे स्ट्राइक करेगी, बट ये फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करते, इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, बट डू नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग ऑन द मेटल। और ब्राइटनेस ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द मेटल, जो लाइट की इंटेंसिटी है उस पर डिपेंड करता है, इस पर नहीं डिपेंड करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो इस तरह से हम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। पहले हमने देखा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ज़्यादा होगी तो ओनली इलेक्ट्रॉन्स जो कि इजेक्ट होंगे वही होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है, मूवमेंट की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने बोल दिए कि इस पर डिपेंडेंट प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट, इसको हम इस तरह से ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं, लाइक दिस वी कैन मेक अ ग्राफ, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। ये हायर इंटेंसिटी है लाइट की तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजेक्ट होंगे, और ये लोअर इंटेंसिटी है लाइट की, ये हमारा एनर्जी थ्रेशोल्ड है। जिस पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू कॉज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो देखो लोअर इंटेंसिटी पे इलेक्ट्रॉन्स हाई इंटेंसिटी पे ज़्यादा आएंगे, फ्रीक्वेंसी पे दे आर नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। फोर्थ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी जो होगी इजेक्टेड डिपेंड ऑन द फोटो इलेक्ट्रॉन आर डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज़ की गई। तो ये आ गया फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, इस तरह से शो करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जो है तो फ्रीक्वेंसी की, उतनी ही फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जितनी ज़्यादा यूज होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी जो है, कितनी फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है। और ये क्या है? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जो है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। मिनिमम जो चाहिए आपको इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नीडेड टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और जब हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करेंगे, इसका भी हम एक ग्राफ से समझाते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी? काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी इलेक्ट्रॉन की। जो मैंने पहले समझाया है उसी को ग्राफिकल फॉर्म में बताया गया। ओके, तो ये तो हमारे थे रिजल्ट इन द एक्सपेरिमेंट जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बट काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पर। क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी कंटेंट है, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी कंटेंट ऑफ बीम ऑफ लाइट, ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द रेड लाइट ऑफ हाई इंटेंसिटी ब्राइटनेस जब स्ट्राइक करती है पोटेशियम मेटल सरफेस पे तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट कर पाती, पर येलो लाइट ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी जो पोटेशियम मेटल पे करती है तो इलेक्ट्रॉन्स गेट एमिटेड। तो इसका मींस क्या है कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ पोटेशियम आयन कितनी है पोटेशियम एटम की? 5×10^14 हर्ट्ज, जो कि रेड लाइट से ग्रेटर है ना। देखो एक एग्जांपल हम लेते हैं, कि रेड लाइट जिसकी हाई इंटेंसिटी है ब्राइटनेस ज़्यादा है, ओके, जब स्ट्राइक्स किस पे करती है? पोटेशियम मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो क्या है? नॉट एबल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, नहीं कर पाती है। पर जब येलो लाइट जिसकी की हाई फ्रीक्वेंसी है स्ट्राइक्स पोटेशियम मेटल सरफेस, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेट एमिटेड। येलो लाइट में क्योंकि उसकी हाई फ्रिक्वेंसी है तो पोटेशियम जो है इजेक्ट हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है पोटेशियम एटम की, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इजेक्ट करने के लिए, वो पोटेशियम एटम की
5.0 इंटू 10^14 हर्ट्ज है. ओके, इज ग्रेटर, ग्रेटर है मिनिमम चाहिए देन द फ्रीक्वेंसी पजेस्ड बाय रेड लाइट. रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पोटेशियम एटम की. पोटेशियम एटम की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वो ज़्यादा है रेड लाइट से. बट कम किससे है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पोटेशियम एटम की? लेसर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी से कम है पोटेशियम एटम फ्रीक्वेंसी, विच कैन शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. वो क्या शो करेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो लेसर है पोटेशियम एटम की येलो लाइट से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि क्यों इजेक्ट हुआ रेड लाइट और येलो लाइट. जब रेड लाइट हाई इंटेंसिटी और ब्राइटनेस से जब पोटेशियम मेटल सरफेस पे हाइक हुई तो इजेक्ट नहीं कर पाई. क्यों? इलेक्ट्रॉन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो पोटेशियम एटम की है वो ज़्यादा थी रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी से, पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पोटेशियम एटम कम था फ्रीक्वेंसी येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी से, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रही थी. ओके, ऐसे ही एक्सप्लेनेशन दिया गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का. आगे और एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. वो किसने दिया था? आइंस्टाइन ने. आइंस्टाइन ने 1905 में बाय यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या यूज़ की उसने? उसने यूज़ की प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन. तो उसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए. आइंस्टाइन ने यूज़ किया कि जब फोटोन जो सफिशिएंट एनर्जी का है जब स्ट्राइक हुआ उसका इलेक्ट्रॉन मेटल पे, तो इसने ट्रांसफ़र की, ट्रांसफ़र इट्स एनर्जी, उसने एनर्जी ट्रांसफ़र की इलेक्ट्रॉन को ड्यूरिंग द कोलिजन एंड इलेक्ट्रॉन गेट्स इजेक्टेड. उसी वक्त कैसे वो इजेक्ट हुआ? कि जो फोटोन जो था मतलब लाइट स्ट्राइक हुई तो उसके अंदर जो एनर्जी थी वो तुरंत इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र हो गई, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया ड्यूरिंग कोलिजन. तो ग्रेटर द एनर्जी, जितनी फोटोन के पास एनर्जी होगी, ग्रेटर द एनर्जी पजेस्ड बाय फोटोन, फोटोन में जितनी एनर्जी होगी उतनी ही ग्रेटर
ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगी, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन में। और ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी होगी पजस्ड बाई ग्रेटर एनर्जी होगी पजस्ड बाई फोटो इलेक्ट्रॉन। ये लिख के समझाना बहुत ज़रूरी था कि लर्न नहीं रहेगा। तो जितनी एनर्जी पजस्ड होगी फोटोन में जब लाइट स्ट्राइक होगी लाइट के अंदर, उतनी ही ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन में, और उतनी ही ज़्यादा जब वो फोटो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा एमिट होगा काइनेटिक एनर्जी पजस्ड होगी फोटो इलेक्ट्रॉन से। ओके, तो एनर्जी जो सप्लाई की गई है फोटोन को इलेक्ट्रॉन को वो यूज़ की जाती है इजेक्ट करने के इलेक्ट्रॉन को मेटल एटम से। इक्वल टू द एनर्जी बाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विद न्यूक्लियस, जो एनर्जी ने जिसने बाइंड कर रखा है इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए इजेक्ट करने के लिए। तो एनर्जी सप्लाइड की जाती है फोटोन की इलेक्ट्रॉन तक, और वो एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है मेटल एटम से, और रिमेनिंग होती है इजेक्ट करने वाले यूज टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो एनर्जी जो है हमें सप्लाई जो होती है इजेक्ट करने के लिए, एनर्जी ट्रांसफ़र करने के काम आती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ स्ट्राइक कर रहा है जो फोटोन, लाइट रेज फोटोन के फॉर्म में जब स्ट्राइक कर रही हैं वो किसके इक्वल हैं, वो इक्वल हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, जितनी एनर्जी फोटोन ने पजस कर रखी है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और जो पजस करेगा उसको मिला के एनर्जी बनेगी स्ट्राइकिंग फोटोन की, और उसको एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन को हम एच म्यू मीन्स ई इज इक्वल टू एच म्यू करके भी शो कर सकते हैं। ओके, ई इज इक्वल टू एच म्यू ये कहाँ से मिला हमें, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, इट इज़ फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन, जो बाइंड करती है एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हुए, तो वो क्या क्या पजेस करेगा, एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो कि पजेस करता है, या वर्क फंक्शन ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी होगी, जितना वर्क किया उसके लिए तो देयरफॉर क्या हुआ, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड में, थ्रेशोल्ड प्लस हाफ मी वी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये दो से हमारे टोटल एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन बना, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन का जो था या वर्क फंक्शन भी कह सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी, ये मिला के टोटल हमारा एनर्जी बना। तो लो इंटेंसिटी बीम होगा हाई एनर्जी फोटोन का, वो इजीली इजेक्ट करेगा लेस इलेक्ट्रॉन, पर हाई इंटेंसिटी बीम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, जैसे
ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, ओके। ये वर्क है, वर्क फंक्शन एच म्यू, ये क्या है हमारा, ये मेटल है, ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये तो हमारा क्या हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर। मीन्स काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, काइनेटिक एनर्जी हमारी हो गई एच म्यू माइनस एच म्यू ज़ीरो, मतलब वर्क फंक्शन। एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी पजस की है और कौन सी स्ट्राइक हुई है, तो ये बन गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है और ये वर्क फंक्शन, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो जो लाइट इंसिडेंट हुई और जो यहाँ से इजेक्ट हुई एच में, इसमें जो डिफरेंस है वो हमारा क्या बना, हाफ एम वी स्क्वायर। मीन्स काइनेटिक एनर्जी हमारी टोटल इतनी, जितनी एनर्जी उसने पजेस कर रखी है और जितनी उसने लूज़ किया इजेक्ट करते हुए। तो टू फिनोमिना है ड्यूल बिहेवियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक। तो ये कंफर्म करते हैं पार्टिकल ऑफ नेचर ऑफ लाइट, पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस होता है। तो कंक्लूजन मेड किया कि लाइट बिहेव्स लाइक वेव एज वेल एज पार्टिकल। जब रेडिएशन इंटरेक्ट करता है मैटर पे तो वो पार्टिकल लाइक होता है। जब रेडिएशन इंटरैक्ट करते हैं मैटर में, इंटरैक्ट विद द मैटर, मैटर में जब इंटरैक्ट करते हैं तो इट डिस्प्लेस पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जब एंटर करते हैं। व्हाइल व्हेन इट प्रोपोगेट्स, जो मूवमेंट करते हैं, इट डिस्प्लेस वेव लाइक ये वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज देते हैं। तो ये ड्यूल नेचर है, इसको हम कहेंगे दोनों बिहेवियर होते हैं, ड्यूल बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन में हमने दोनों इफेक्ट पढ़े, क्या क्या, ब्लैक बॉडी रोटे रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पर हमें इनसे क्या पता लगा कि दोनों तरह के बिहेव रेडिएशन शो करता है, ये पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है जब मैटर से इंटरेक्ट करता है, जब प्रोपोगेट करता है तो ये वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो करता है। तो लाइट क्या है, एक काइंड ऑफ रेडिएशन है, इसके जो रेडिएशन है माइक्रोस्कोप पार्टिकल्स से लाइक इलेक्ट्रॉन्स, उसके बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं, वेव एज वेल एज पार्टिकल करेक्टर भी हैं। तो जितनी रेडिएशन है उनका बिहेवियर जो होता है, ऑल रेडिएशंस हैव
ड्यून नेचर, ऑल रेडिएशंस, इवन जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ऑल रेडिएशंस हैव ड्यून नेचर. ये हमारा कंक्लूजन निकला, ड्यूल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली. इसी चीज को हम डायग्रामेटिकली भी वी कैन शो इट. ओके, सी हेयर लाइक दिस. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. ओके, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. और ये जो है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये क्या है, दोनों फील्ड्स बताई हैं, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक. फॉर एग्जांपल लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वेव करेक्टर है, क्या है, दिस इज वेव करेक्टर. ओके, तो और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स इसको बोलते हैं फोटोन. इसका क्या करेक्टर है, ये है पार्टिकल करेक्टर, ये है पार्टिकल करेक्टर. तो ये ड्यून नेचर लाइट का शो कर रहा है, इट शोज द ड्यून नेचर. तो अगर हम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ निकालनी है फोटोन की, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. हमने और एग्जांपल तो किए हैं, जैसे अगर कोई क्वेश्चन है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, अब तो आपको सिंबल आ गए होंगे, एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन, और एनर्जी कितनी दी हुई है, विद एनर्जी इज इक्वल टू 3.98 × 10⁻¹⁵ जूल. ओके, अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेवलेंथ यू हैव टू फाइंड आउट. तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी किससे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच म्यू करेंगे. इस फॉर्मूले से हम आराम से निकाल सकते हैं, कैसे, एनर्जी हमें पता है 3.98 × 10⁻¹⁵ जूल. प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता है 6.626 × 10⁻¹⁴ इंटू फ्रीक्वेंसी आ गई. तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना हो गया, 3.98 × 10⁻¹⁵ अपॉन 6.626 × 10⁻¹⁴. तो कितना आया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जब हम कैलकुलेट करेंगे, एक एक चीज़ में इसमें कट करके पॉइंट हटा के नीचे ज़ीरो लगाया, उस तरह से शॉर्ट में करके बताती हूँ, जिससे आपको पहले फॉर्मूला क्लियर हो जाए. कैलकुलेशन तो यू आर इन हायर क्लास, यू कैन ऑटोमेटिकली डू इट ऑन योर ओन. इंटू 10⁻¹⁸ पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी आ गई. तो अब लेमडा निकालना तो बहुत आसान है, वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, वेवलेंथ का फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी. वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, तो लाइट क्या पता है 3 × 10⁻¹⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, हमने अभी कैलकुलेट की 6.0 × 10⁻¹⁸.
तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.5 × 10⁻¹⁰ मीटर। ओके, तो वेवलेंथ कितनी आ गई हमारी, 0.5, 1 angstrom = 10⁻¹⁰ मीटर, इसलिए इसको हमने एंगस्ट्रॉम में चेंज किया। ओके, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। एक और है हमारे पास, किसी ने कहा वर्क फंक्शन निकालो, जो अभी हमने आपको समझाया था। अगर कोई क्वेश्चन आया वर्क फंक्शन ऑफ मेटल जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड का सिंबल बताया था आपको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 5.2 × 10⁻¹⁴ पर सेकेंड। ओके, तो इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें, वर्क फंक्शन हमें निकालना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हमने पहले फॉर्मूला बताया था वर्क फंक्शन का, क्या है, एच लेंथ कॉन्स्टेंट इंटू ये हो गया। ओके, तो ये कितना हो गया, लेंथ कॉन्स्टेंट हमारा 6.626 × 10⁻¹⁾ जे जूल सेकेंड इंटू 5.2 × 10⁻¹⁴, ये हमारी हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी = 3.44 × 10⁻¹⁹ जूल। आंसर आ गया सिंपल, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वर्क फंक्शन प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जैसे E = h μ और वर्क फंक्शन H × थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, जैसे आपको निकालना है इसके अंदर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी। एक और कोई क्वेश्चन है जिसमें हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, जिसमें फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 2 × 10⁻¹⁶ हर्ट्ज। ओके, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास 8.68 × 10⁻¹⁶ हर्ट्ज। ओके, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, H μ = H थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है हमें, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, और अब K = निकालना है, तो K = क्या हो गया, H बाहर आ गया, μ - थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला बन गया 6.626 × 10⁻¹⁴, और ये आया 2 × 10⁻¹⁶ −8.68 × 10⁻¹⁵। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी होगी 7.5 × 10⁻¹⁸। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकल गया इससे। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन से भी आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाता है और समझ आ जाता है कि इसको किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट करेंगे, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इसके अंदर, एक और क्वेश्चन मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। जैसे एक 100 वॉट बल्ब है, एक और को न्यूमेरिकल लेते हैं, 100 वॉट बल्ब है
वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ कितनी है उसकी, बल्ब जो है 100 वॉल्ट बल्ब एमिट्स 400 nm. नंबर ऑफ फोटोन्स कितने एमिट किए आपको ये कैलकुलेट करने हैं, एमिटेड पर सेकेंड. ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे? आंसर में देखिए हमारे पास क्या है, 100 वॉट मतलब क्या है, पावर ऑफ बल्ब कितना है, 100 वॉट. 100 पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम मीन्स पी इज इक्वल टू एच म्यू. पी तो हो गया, पी इज इक्वल टू एनर्जी, और हमें जब एनर्जी निकालनी है तो ई इज इक्वल टू कितना है, एच म्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ये भी पता है हमें, है ना, एच सी अपॉन लैम्डा ई इज इक्वल टू एच म्यू, और इसको हम एच सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं. ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्लैंक कांस्टेंट हमें पता है 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड इंटू 3 वेलोसिटी हो गई लाइट की इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 400 × 10⁻⁹. तो 400 nm दिया था हमें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेवलेंथ दी थी 400 nm, नैनो मीटर, तो नैनो को हमने 10⁻⁹ होता है नैनो, उसको मीटर में चेंज किया तो ऊपर 10⁻⁹ है. जब इसको हमने इसको सॉल्व किया तो 4.969 × 10⁻¹⁸ जूल है. ओके, अब इसमें लास्ट में हम नंबर ऑफ़ फोटोन्स हमें भी कैलकुलेट करने रहते हैं. नंबर ऑफ़ फोटोन्स एमिटेड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो हमारा एनर्जी निकल गई. ओके, तो और क्या क्या हमें क्वेश्चन पूछा गया था, मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो हमें नंबर ऑफ़ फोटोन चेक करने, तो नंबर ऑफ़ फोटोन से पहले हमें क्या पता होना ज़रूरी था, हमें पता होना ज़रूरी है एनर्जी कितनी लगी. तो नंबर ऑफ़ फोटोन्स एमिटेड इज इक्वल टू क्या होता है, हमने इसीलिए पहले एनर्जी का कैलकुलेट की कि हमें नंबर ऑफ़ फोटोन्स निकालना है, क्योंकि नंबर ऑफ़ फोटोन्स का फॉर्मूला है पावर ऑफ बल्ब अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक एनर्जी कितनी है. तो पावर तो हमें पता है 100 जूल पर सेकेंड अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना है, 4.969 × 10⁻¹⁹ जूल, तो इक्वल टू कितना है, 2.012 × 10⁻²⁰ फोटोन पर सेकेंड. ओके, क्लियर. तो इस तरह से हमें जो क्वेश्चंस हैं इनसे हमें और भी क्लियर हो जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. आई होप मैंने जो भी पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल्स. तो अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाना तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. ओके, थैंक यू.